दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये बात कहता हूँ कि अगर आप ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करना। आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, करियर बर्बाद हो सकता है। देश में आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन वापस से लगने शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में ना मतलब अभी जो है प्लानिंग सही से करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर लेते हैं वो तो बढ़िया है, उनका तो चलो काम हो रहा है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको शायद कोई कमाना भी नहीं आता दूसरी तरीके से जहाँ से वो कमा सके। तो ऐसे में अब ये लॉकडाउन जब लग चुका है तो आप अपनी गलती को एनालाइज करें जो आपने पहले की है और उनको यहाँ पर सुधारें, ताकि इस तरीके की स्थितियाँ अगर वापस से आए तो आपके पास कुछ ना कुछ हो। तो अगर आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे साथ लास्ट तक रहे। सो हे एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड मिलती है इस वीडियो में तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि 5 मेजर मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं। पहली जो मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है कि हैविंग वन सोर्स ऑफ इनकम। ज़्यादातर लोगों को एक ही तरीका पता होता है पैसे कमाने का, और ऐसे में अगर वही तरीका काम नहीं किया, फेल हो गए उस तरीके में, तो वो घर बैठ जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन लग रहे हैं, स्थितियाँ ऐसी हो रही है कि उनको घर पर बैठना पड़ रहा है, तो ज़्यादातर लोग हो सकता है कि उनको सैलरीज पूरी नहीं मिल रही। आपको सैलरी पूरी मिल रही है नहीं मिल रही आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं सरकार के उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं कि आप कोविड की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, बट आपको अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल कोरोना से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप सोचिए कि आप कौन सा और कोई काम शुरू कर सकते हैं जिससे आपके पास एक और स्ट्रीम हो जहाँ से आप पैसे कमा सके। देखिए, आप ही को सोचना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोग नॉलेज देने वाले मिल जाएंगे, बट सोचना आपको है, तो इस पर आप ज़रूर काम करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि लाइफ बड़ी सिंपल है, स्पेशली जो स्टूडेंट है जो स्कूल में है कॉलेज में है, उनको लगता है लाइफ बड़ी आसान है, हम कोर्स करेंगे, हमारे पास कंपनियाँ आएंगी, कंपनियाँ हमको जॉब देगी, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। वो कभी भी प्रॉब्लम्स को समझना नहीं चाहते, प्रॉब्लम से डरते हैं, और इस वजह से वो लाइफ में अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते। तो आप पास प्लानिंग अच्छे से की होगी, आपको प्रैक्टिकल रियलिटी पता होगी, तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस पे आपने बहुत ज़रूरी गौर करना है कि जब आप अपनी कॉलेज पास कर लो, जब आप अपनी स्कूल पास कर लो, तो जो आपसे आगे हैं 5 साल 10 साल उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है भैया, ताकि आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो सकती है, तो इसका मैं प्लानिंग कैसे करूँ, इसका मैं सोल्यूशन क्या लेके आऊँ, इस पे गौर जरूर करिएगा, ठीक है जी। तीसरी जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो है कि अपनी डेथ की प्लानिंग नहीं करते। अब डेथ की प्लानिंग आप कहेंगे कि प्रवीण भाई कैसी बातें करो, डेथ की प्लानिंग कौन करता है, बट यहाँ पे जो समझदार लोग हैं वो तो करते हैं। आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज देख लीजिए, जो जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ज़्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का नाम सुन के बहुत सारे लोगों के दिमाग में सोच रहे होंगे कि प्रवीण भाई लगता है कोई इंश्योरेंस यहाँ पे बेचने वाले हैं। मैं कोई इंश्योरेंस आपको नहीं बेचने वाला। देखिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो वो आपके लिए अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़ में, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि एक फैमिली में एक बंदा कमाने वाला था, उसकी डेथ हो गई। अब जो पैसा आ रहा था उस बंदे से वो तो आना बंद हो गया, तो ऐसे में जो फैमिली है वो बेचारी, उसका क्या होगा, आप सोचो, वो तो भूखी मर गई, राइट। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ऐसे में अगर उस बंदे ने इंश्योरेंस लिया हुआ होता किसी भी कंपनी का, तो ऐसे में वो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो उसकी फैमिली को मिल जाता, उसकी फैमिली को सफर ना करना पड़ता। तो आज की डेट में तो टर्म इंश्योरेंस जैसी चीज़ें आ गई है, आप ले सकते हो। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ही यही होता है कि आप मान लो 20 साल के लिए आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ रुपए का, इन 20 साल में खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको पीछे फैमिली को तो पैसा मिल जाएगा ना। तो टर्म इंश्योरेंस मुझे लगता है आप ले सकते हो, कहाँ से लेना है आपकी चॉइस है, बहुत सारी कंपनीज है, बट यहाँ पे कंपेयर करके ज़रूर लीजिए। पॉलिसी बाजार आपके दोस्तों हेल्प करता है कंपैरिजन में, 20 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके जो प्लान्स है उनको आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं दोस्तों टर्म इंश्योरेंस लेने के पॉलिसी बाजार के, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे मेजर एडवांटेज है कि यहाँ पे आप लोगों को लो प्रीमियम विद हाई सम इंश्योर्ड मिल जाता है। अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको मंथली प्रीमियम 490 रुपए ही भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे जो है ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है 5.5% का, जो बाकी जगहों से नहीं मिलेगा, आप कंपेयर करके ले सकते हैं। इसके अलावा 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी है दोस्तों, 59 क्रिटिकल इलनेस कवर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और राइडर ऑप्शन भी दोस्तों आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है 80C के तहत। तो ये काफी सारे एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके पॉलिसी बाजार पे टर्म इंश्योरेंस चेक करके अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं।
देखिए बाय करोगे आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आप अपनी फैमिली को सिक्योर करोगे जो कि बहुत ज़रूरी है, आप जाके एक बार चेक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, चौथी जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ चैटिंग, वीडियो देखना, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। अगर आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे चैटिंग कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे गप लड़ा रहे हो, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, बट सारा दिन एंटरटेनमेंट करते रहोगे तो उससे लाइफ नहीं चलेगी। इंटरनेट को आप जरिया बना सकते हो पैसे कमाने का, इंटरनेट को आप जरिया बना सकते हो जॉब ढूंढने का, इंटरनेट को जरिया बना सकते हो चीज़ें सीखने का। तो इस पर टाइम वेस्ट कम करना बंद करो। एक घंटा दिन में सिर्फ आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। आप ये गांठ बांध लो, उसके बाद बाकी जो टाइम मिलता है उसमें कुछ ना कुछ अपनी ग्रोथ में टाइम इन्वेस्ट करो। देखो आप लोगों को ऐसे रास्ते मिल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मुझे इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर जब से मैंने इस चीज़ को सीखा है आज ये मेरा फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी में हम बहुत सारे और काम करते हैं जो कि सिर्फ पूरे इंटरनेट पर है। अभी लॉकडाउन लग गया है, सारी चीज़ें हो गई, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारा ऑफिस सेटअप घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, टीम हमारी पूरी की पूरी ऑनलाइन काम करती है। सो ऐसे में अगर आपको पता होगा ना दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोग कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें पता लग जाएंगी जो आपकी लाइफ चेंज करके रख सकती है। साथ ही साथ दोस्तों जो आगे बढ़ता हूँ, लास्ट मिस्टेक है वो ये है कि लोग जो है कंपैरिजन बड़ा करते हैं दूसरों से कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। ये मत करना लाइफ में, ये करोगे ना तो हमेशा परेशान रहोगे। राइट, आपने भले ही कितना ही पैसा कमा लिया हो, आप फिर भी लोगों से कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को बदतर बना रहे हैं। जिसने जो किया करने दो, आपको अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए। आप कल क्या थे, आज क्या हो, कल क्या करना चाहते हो, उस पर फोकस करो। बाकी कोई कितना आगे निकल गया, पीछे चला गया, किसी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये प्राउड होना चाहिए कि आपके पास जो भगवान ने आपको दिया है वो सब कुछ दिया है। इससे आप हर वो काम कर सकते हैं जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक कंपैरिजन वाली चीज़ है ना, वो हटा दो और इनर पीस पे ध्यान रखो। अपना इनर पीस मतलब मन की शांति वाली जो चीज़ होती है ना वो, और वो कब आएगी जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करोगे। राइट, आपके पास जो भी है हर दिन अपने आप को बोला करो सुबह उठ के कि मैं बेस्ट हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं अगर मैं उस पर मेहनत करूं, कोशिश करूं, एक्शन लेके आऊं। तो ये 5 गलतियां जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल मत करना अफोर्ड। राइट, मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों अगर लाइफ चेंज करनी है तो मेहनत लगती है। मोटिवेशनल वीडियोस देख के कुछ नहीं होता, आपको अपनी लाइफ खुद ही प्लान करनी पड़ेगी। तो एक पेपर पेन ले लो, एक तरफ गलतियां लिख लो अपनी जो कर रहे हो, एक तरफ लिख लो कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है, और उस पर काम करना शुरू कर दो। फ्यूचर दोस्तों इनफाइनाइट है, अगर आप काम करो तो आपके साथ हर वो चीज़ हो सकती है जो शायद आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। राइट, पैसे कमाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत आसान है। अगर आपकी मेंटालिटी सही है तो आप दिन का हजारों लाखों रुपए भी कमा सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ये ख़त्म करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो कोविड का समय है, थोड़ा टफ सिचुएशन है, टफ समय है, ये भी चला जाएगा, तो विश्वास रखें, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को ये ख़त्म करेंगे दोस्तों, जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।